नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। कोरोना वायरस का सीज़न चालू है, उसका कहर जारी है और हमें डराया जा रहा है और ये भी कहकर तसल्ली दिया जा रहा है कि अगर आपको बचना है तो मास्क पहने, बार बार अपना हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। लेकिन ये कितनी साइंटिफिक है, कितनी आपके लिए और हमारे लिए ये सही है, वो आज मैं आपको बताऊँगा। ये हम नहीं, USA के जो टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने इंग्लिश में कहा है, आप लोगों के समझने के लिए मैंने उसको हिंदी में अनुवाद किया है। अच्छी तरह से उनको पढ़ना, अच्छी तरह से उनको सोचने की कोशिश करना और किस तरह से आपकी और हमारी ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है वो अच्छी तरह से सुनिए और सोचिए और फिर उसको अप्लाई करिए। किसी ने कुछ कह दिया फिर उसके हिसाब से आप पालन करना होगा, डर डर के जीना होगा, ये सही नहीं है। जो प्रॉपर साइंटिफिक नॉलेज है उसके बारे में सोचिए, उसको पढ़िए, उसको जानिए और उसको अप्लाई कीजिए। ऐसे डर डर के कितने दिन आप जिएंगे? ये जीना भी कोई जीना है दोस्तों? बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े जो दिग्गज जो लोग हैं उन्होंने बस कह दिया है तो वो सच्चा होगा, वो सच्चाई होगी उसमें, नहीं तो वो क्यों कहते हैं? ये सब अननेसरी लॉजिक मत लगाइए। अरे वो देश का इतना बड़ा आदमी है, वो बाहर का इतना बड़ा आदमी है, उसने कह दिया तो होगा ही तो सही, ये लॉजिक मत लगाइए, क्योंकि आजकल सब अपने स्वार्थ पे चल रहे हैं। आपका दिमाग है उसको यूज़ कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए और अच्छी तरह जानिए, फिर उसको अप्लाई कीजिए। तो आइए देखते हैं वो वीडियो, अच्छी तरह से देखिए, आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जाने से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके हेल्थ के लिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार। This doesn't make any sense. We wear masks in an acute setting to protect us. We're not wearing masks. Why is that? Because we understand microbiology, we understand immunology, and we want strong immune systems. Our immune system is used to touching. We share bacteria, staphylococcal, streptococcal bacteria, viruses. We develop an immune response daily to this stuff. When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. And now I'm at home, hand washing vigorously, washing the counters, worried about things that are indeed what I need to survive. You're not immunodeficient and you're not elderly. You should be able to go out without any gloves and without a mask. I think if you are those things, you should either shelter in place or wear a mask and gloves. I don't think everybody needs to wear a mask and gloves because it reduces your bacterial flora. It doesn't allow you to interact with society, and your bacteria flora and your viruses, your friends that protect you from other diseases, end up going away, and now you're more likely to get opportunistic infections, infections that are hoping you don't have your good bugs fighting for you, if that makes sense. And then as we all come out of shelter in place with a lower immune system and start trading viruses, bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike. I guarantee when we reopen, there's going to be a huge, huge amount of illness that's going to be rampant. The building blocks of your immune system is virus and bacteria. End of story.